May we now welcome Shri Eknath Shinde ji, Honorable Minister of Urban Development and Public Works Minister of Maharashtra. Shinde Saab has grown from the ranks and has worked admirably. Earlier for development of Mumbai-Nagpur Samruddhi Corridor and now as Minister for Urban Development. His tireless energy and being at the forefront of every calamity the state faces to provide relief and rehabilitation to countless citizens of the state noticed during Kolhapur Fund's Nisarga cyclone destruction. As a guardian minister for Thane and true Thanekers, he has been instrumental in development of several infrastructure projects and very importantly, the cluster development scheme, creation of affordable housing units in Thane. We are proud to have urban development from Mumbai metropolitan region. Over to you, sir, for a few words. दीपक भाई का भी मैं अभिनंदन करता हूँ. उन्होंने प्रेसिडेंटशिप का चार्ज लिया हुआ है और बाकी उनके सभी साथियों का भी मैं अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ. और यहाँ गढ़चिरौली में बाढ़ आने की वजह से बहुत ही बड़ा लोगों को इफेक्ट हुआ है और अफेक्टेड एरिया के अंदर जो भी रिलीफ देना है इसलिए मैं यहाँ पहुंचा हूँ. इसलिए फिर एक बार क्षमा चाहता हूँ. लेकिन हमारे जितेंद्र आवाड़ जी आपके साथ है और हमारे गगरानी साहब आपके साथ में है तो और हम लोगों ने मुख्यमंत्री जी से पूरी तरह बात की हुई है कि यहाँ पर जो MCH है क्रेडाई, अभी सभी लोगों का मैं नाम नहीं लूंगा लेकिन निरंजन भाई होंगे, अजय भाई होंगे, बोमन जी होंगे, सभी लोग यहाँ पर मौजूद है. आपकी तकलीफ हम लोग जानते हैं. ये कोविड से पहले तो कोविड से पहले भी आप लोगों की इंडस्ट्री तकलीफ में थी, अभी कोविड आने की वजह से और ज्यादा तकलीफ में आ गई है, ये हम लोग जानते हैं. और निश्चित रूप से राज्य के मुख्यमंत्री हमारे उद्धव ठाकरे जी से हम लोगों ने अनुरोध किया है, जितेंद्र जी और हम लोगों ने, कि अभी ये रियल इस्टेट जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है उसे हमें थोड़ा सपोर्ट करने की आवश्यकता है. क्योंकि ये रियल इस्टेट जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है इस पर कम से कम 200-250 छोटी मोटी इंडस्ट्री डिपेंड है और इसलिए अभी इसको सपोर्ट की आवश्यकता है. तो निश्चित रूप से राज्य सरकार के माध्यम से मैं यूडी मिनिस्टर हूँ और हमारे हाउसिंग मिनिस्टर जितेंद्र जी है और आपको पता है कि गगरानी साहब हमारे बहुत ही पॉजिटिव अप्रोच रखकर काम करने वाले अधिकारी है और इसलिए निश्चित रूप से हमारे अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के माध्यम से आप लोगों के लिए जितना भी अभी स्टैम्प ड्यूटी रजिस्ट्रेशन थोड़ा कम किया है, ऐसे कई और रिलीफ देने की कोशिश हमारी है, उसके ऊपर राज्य सरकार पूरी तरह गंभीरता से विचार कर रही है और हम दोनों भी मिनिस्टर यहाँ पर आपके इस इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए या सपोर्ट करने के लिए पूरी तरह पॉजिटिवली हमारे मुख्यमंत्री जी से हम लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं और मुख्यमंत्री जी भी आपकी इंडस्ट्री को अभी सपोर्ट करना है इसके लिए पूरी तरह विचार कर रहे हैं. इतना ही मैं कहूंगा. आणि गगरानी साहेब तुम्ही पण त्यांना मार्गदर्शन करा कि आपण जे काही करतोय म्हणजे आता मी काही स्पष्टपणे बोलू इच्छित नाही परंतु जे काय आपण करतोय ते या इंडस्ट्रीला सपोर्ट होईल असंच करतोय कारण शेवटी घोषणा आणि निर्णय घेण्याचे अधिकार आपल्या मुख्यमंत्री महोदयांचे आहेत. त्यामुळे आपण पॉझिटिव्हली सगळ्या गोष्टी आपण करतोय. हाऊसिंग सेक्रेटरी पण श्रीनिवास जी पण आहेत, इतरही आपले सर्व अधिकारी हाऊसिंगचे आहेत, अर्बन डेव्हलपमेंटचे आहेत, MCH आहे, क्रेडाई, आणखी ज्या काही आपल्या कन्स्ट्रक्शन इंडस्ट्री मधल्या ज्या काही संघटना आहेत, नरेडको असेल, इतरही सगळ्या सगळ्यांची मी नावं घेत नाही आहे कारण इथे कधी आता परत नेटवर्क कमी होईल माहित नाही आहे, त्यामुळे माफ करा. परंतु फिर एक बार मैं कहूंगा कि आपकी इंडस्ट्री को अभी सपोर्ट की आवश्यकता है और आप लोग इतने लोगों को रोजगार देते हो, लाखों लोग आपकी इंडस्ट्री में काम करते हैं और कई इंडस्ट्री आपके इस कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के ऊपर डिपेंड है, हम लोग जानते हैं, हम लोग समझते हैं और ऐसे समय पर आपको मदद की, राज्य सरकार के मदद की आवश्यकता है, निश्चित रूप से हम लोग आपके साथ में हैं. यही मैं आज के इस अवसर पर इस मीटिंग में कहना चाहता हूँ.
फिर एक बार मैं सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूँ. आणि गगराडी साहेब तुम्ही नंतर डिटेल मध्ये यांच्याशी बोला आणि मध्ये तुम्हाला थांबवल्याबद्दल सॉरी. थँक्यू, धन्यवाद. थँक्यू.